हेलो एवरीवन, बीपीएससी TRE 3.0 में जितने भी प्रश्न डिलीट किए गए हैं उसके बदले सभी अभ्यर्थियों को समान अंक दिए जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको अंक दिए जाएंगे। आप कहेंगे कि TRE 1 और TRE 2 में तो ऐसा नहीं हुआ था, तो उसके लिए जो है आप लोगों ने लड़ा नहीं था। वैसे भी अतुल प्रसाद का कहर चल रहा था, कोई भी छोटी मोटी गलती पे एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जा रहा था, धमकियां बराबर आपको दी जा रही थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा प्रोविजन है, अगर आप इसको न्यायालय के शरण में ले जाएंगे, वैसे अगर स्वेच्छापूर्वक इस बार बोर्ड ने जितने प्रश्नों को डिलीट किया है उसके बदले अंक दे देती है तब तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो अगर आप न्यायालय के शरण में जाएंगे तो ऐसा प्रोविजन है कि आपको डिलीट प्रश्नों के बदले समान अंक दिए जाएंगे। 100% आप वहां पे जीत जाइएगा। TRE 1 और 2 की बात अलग थी, वहाँ आपको पता है कि वेबसाइट पे किस प्रकार से जो है कहर चल रहा था, उनका शासन चल रहा था, और पर डे जो है एक दो नोटिफिकेशन जो है डाला जा रहा था, अभी भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हैं। इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन और मॉडिफिकेशन जो है किसी भी बहाले में आपको देखने को नहीं मिला था, जो कि TRE 1 और 2 में आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा आज के तमाम जितने सारे भी अपडेट हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, रोस्टर क्लियरेंस सारा कुछ यहाँ पे, आप अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले समस्तीपुर जिला में जो है अब जांच शुरू हो गया है TRE 1 और 2 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिला अंतर्गत सभी कोटे के विद्यालय में बीपीएससी TRE 1 2 के द्वारा पदस्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं का पात्रता पत्र यानी कि सीटेट बीटेट और STET उपलब्ध कराने के संबंध में, तो यहाँ पे भी जांच होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। और 3/10/2024 के डेट में आदेश जारी कर दिया गया है। एक और जिला में आदेश जारी हो गया है, सासाराम में। आप सभी लोग नज़र यहाँ पे बनाए रखेंगे, यहाँ से भी जो है बहुत सारे लोगों का डाटा निकल करके आएगा। तो सासाराम में भी ये देख लीजिए, कल ही के डेट में जो है यहाँ पे भी आदेश जारी किया गया है DO के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे आज देख लेते हैं आज के जो खबर हैं आपके, देखिए अब यहाँ पे भी यानी कि आपको जो मीडिया सोर्स से जानकारी मिल रही थी तो वहाँ पे देख लीजिए, TRE 3 अब तक 9 जिलों का ही हो सका है रोस्टर क्लियरेंस, जबकि 25 जिला की जो है दावा किया जा रहा था कि 25 जिला में जो है जिलों का रोस्टर क्लियरेंस जो है हो चुका है, बाकी के जिले अभी बाकी हैं। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट आज के अखबार में जो है उल्टा यहाँ पे खबर आ रहा है कि TRE 3 में अब तक 9 जिलों का ही हो सका है रोस्टर क्लियरेंस। इसको एक बार हम लोग जरूर पढ़ लेंगे, TRE 3 के लिए रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है, जबकि रोस्टर क्लियरेंस कराने की प्रक्रिया शुरू हुए करीब 2 माह से अधिक समय बीत चुका है। इस प्रक्रिया की गति इतनी धीमी है कि इसके क्लियर होने की संभावनाएं कम है। मैं पहले ही बोला था कि ये चुनाव के करीब जाएगा पूरी प्रोसेस प्रक्रिया होने में, आप इस बात को समझ लीजिए। हमारी बातों को आप बिलीव नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन करना पड़ेगा भाई। संभावनाएं कम दिख रही है। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 9 जिलों के मसलन भोजपुर, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा, सुपौल और वैशाली, बेगूसराय जिलों से ही अभी तक रोस्टर क्लियरेंस हो सका है। शेष जिलों में अधिकतर फाइनल फाइन फाइल संबंधित जिलों में DM कार्यालय और कुछ एक जिलों की फाइल संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस अटका हुआ है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के चलते पूरे TRE 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। दरअसल 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। शुरुआती दौर में यह रोस्टर क्लियरेंस इससे अधिक आरक्षण पर रोस्टर क्लियरेंस किया गया था। तो यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट लिखा गया अभी 9 जिला का, तो यानी कि अभी इसमें इस माह तो भैया इसी में गया, इस माह में किसी भी परिस्थिति में अब आप दावे के साथ कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस माह में रिजल्ट नहीं आएगा 100%। और देख लीजिए आज ही के डेट में एक और जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अखबार के माध्यम से, ये जो पब्लिश हुई है जिसको आप एक बार इसको भी देख लीजिए। हिंदी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी में आप तमाम
लोगों को हम भी हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी में हम बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का आवेदन दिखा देंगे जिसमें वहाँ पे लगा हुआ भी आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को जिसको कश्ती से निकाल करके अतुल बाबा लाए थे, तो वैसे लोगों को आवेदन लिखने तक नहीं आता है, यहाँ पे जिक्र किया गया है। आवेदन एकदम घटिया तरीके से लिखा गया है, FBPSC शिक्षक हैं। दूसरे राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के पेपर में रिसर्च के बाद आयोग तैयार करेगा प्रश्न पत्र, मात्रा, शब्द, युग्म पर विशेष ध्यान रहेगा। BPSC में हिंदी का पेपर अब UPSC स्तर का होगा, क्योंकि मौजूदा पैटर्न से चुने गए अधिकारी और शिक्षक शुद्ध आवेदन तक नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा पेपर होगा जिसमें अच्छी जानकारी वाले ही चयनित हो सकेंगे। तो अब हिंदी वालों के लिए जो है एक बड़ा यू कह लीजिए कि परेशानी होने जा रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ और इसको आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी सब्जेक्ट से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है ये मैसेज है, और ये ठीक भी है क्योंकि इनको जो है लिखने तक, आवेदन लिखने तक नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके ये जो लेटर है मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, बाकी इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस अखबार को मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि डिलीट प्रश्नों के बदले आप ऑथेंटिक सोर्स की बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे जो है आपको नियोजन नियुक्ति से संबंधित यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, जो लोगों ने कोर्ट में गया हुआ है पहले से, जिनको जो है डिलीट प्रश्नों के बदले अंक नहीं दिए गए थे और उनका ज्वाइनिंग रुक गया था, वैसे लोगों को जीत मिली है कोर्ट से 100% मेरा देखा हुआ है। तो 100% डिलीट प्रश्नों के बदले आपको अंक मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बोर्ड स्वेच्छा पूर्वक नहीं करती है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, वहां से आपको 100% जीत मिलेगा। TRE 1-2 में आप लड़ नहीं पाए थे इसलिए आप जीत नहीं पाए थे, इस बार आप जाइएगा कोर्ट में आराम से जीत जाइएगा अगर ऐसा नहीं होता है तो। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, लव यू ऑल। इस मंथ में आपका रिजल्ट किसी भी परिस्थिति में डिक्लेयर नहीं होने जा रहा है। बाय बाय।